दुर्गा वाहिनी का शौर्य संचलन निकला। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं द खबरदार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। विदिशा जिले के पठारी में विश्व हिंदू परिषद दुर्ग वाहिनी का शौर्य संचलन नगर के सरस्वती शिशु मंदिर से प्रारंभ होकर नगर के मुख्य मार्गों तालाब रोड, मुख्य बाजार, बस स्टैंड, बड़ी माता मंदिर, संजय नगर से होता हुआ वापस सरस्वती शिशु मंदिर में ही समापन हुआ। दुर्गा वाहिनी की सभी बहनें सफेद कुर्ती, सलवार एवं केसरिया दुपट्टा के साथ सिर पर भगवा कलर की पगड़ी बांधी हुई थी। जगह जगह नगरवासियों ने पुष्प वर्षा का स्वागत किया। विहिप उपाध्यक्ष रंजीता सिंह राजपूत ने दुर्गा वाहिनी की बहनों को बताया, आप सभी को वीरांगना बनना है। रानी दुर्गावती, रानी पद्मावती, रानी लक्ष्मीबाई, रानी कमलापति वीरांगनाओं के इतिहास के बारे में बताया। इन सभी ने विधर्मियों से जमकर मुकाबला करके रणभूमि में उन्हें हराया या फिर जौहर देकर अपने प्राणों को त्याग दिया या इन विधर्मियों के हाथों में नहीं आई। वर्तमान समय में हम बहनों के लिए सबसे बड़ी चुनौती लव जिहाद है। दुर्गा वाहिनी का संकल्प है हर बहन व बेटी को लव जिहाद के चंगुल से निकाल कर, और हम लोग लव जिहाद का डटकर सामना करेंगे और प्रतिवर्ष सैकड़ों बहन बेटियों को लव जिहाद से बचाते हैं। इस मौके पर प्रखंड संयोजिका सलोनी कुशवाहा, सह संयोजिका सलोनी सुमन, रूबी कुर्मी, नगर संयोजिका कंचन राय, सेजल सुमन, पीहू यादव, सलोनी सिलावट, राधिका विश्वकर्मा, नीता रजक, शिवानी सुमन, माधुरी ठाकुर, राधिका यादव, रानी कुशवाहा के साथ साथ बजरंग दल के कार्यकर्ता सुरक्षा व्यवस्था में थे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।